कि एक सेकुलर व्यक्ति, एक सेकुलर जमात से तल्लक रखने वाला व्यक्ति, जो टॉल स्टेचर का लीडर, जम्मू कश्मीर से तल्लक रखने वाला गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने जिस तरीके से रेजिग्नेशन दिया है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस थी कि हमारी जो लैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, हमारी जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और जब केंद्र के अंदर अपोजिशन में बात आती थी कि कौन हमें रिप्रेजेंट करेगा, तो एक व्यक्ति का नाम सामने आता था, गुलाम नबी आज़ाद। लेकिन आज उन्होंने निराश किया है जम्मू कश्मीर की जनता को, उन्होंने निराश किया है उन नौजवानों को जो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। हमें केंद्र में आज़ाद साहब के रूप में एक चेहरा जो बैठा हुआ था, अगर वो भी उस जो एक बड़ा पोर्टफोलियो था उसको छोड़कर अगर यहाँ आने की बात की है और जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट को, यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट को जो दर बदर हो रहे हैं आज की डेट में, उनको देखा नहीं गया, सिर्फ अपनी, मेरा आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेटअप नहीं है, सिर्फ वजह ये थी अगर, तो फिर प्रायोरिटी फिक्स होती है कि आप लकीर के उस पार थे कि इस पार थे, आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ थे कि आपकी, आपके लिए ईगो ज़्यादा मैटर करती थी। यकीनन ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से अपोजिशन के लोगों को तोड़कर उनको छोटे छोटे राज्यों के अंदर अकोमोडेट किया जाए, उनको किस तरीके से फिर वहाँ अकोमोडेट करके उनको वहाँ भी ख़त्म किया जाए। हमने देखा अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने अच्छा फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने साइडलाइन करके अगर अपने लोकल आरजेडी के साथ उन्होंने अगर समझौता किया तो हम वेलकम करते हैं उस स्टेप का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर इलाके में जाके जिस तरीके से पहले अलायंस करती है और उसी जमात को, रीजनल पार्टीज को ख़त्म करके अपनी मोनोपोली कायम करती है और पूरे देश के अंदर, अब कांग्रेस के अंदर भी उनकी यही स्ट्रेटजी थी कि उसको तोड़ के किस तरीके से हमें बिखराव पैदा करना है, उन्होंने चाहे सेंटर के अंदर हो चाहे रीजनल पार्टीज़ में हर जगह सेंध लगाने की कोशिश की है, हर जगह उनके लोगों को मनी पावर से, मसल पावर से, हर तरीके से। उनकी अगर आपको इतनी फिक्र होती आप दिल्ली में ना बैठते, आप बैठते जहां हमारा नौजवान प्रदर्शन कर रहा है, आप वहां बैठते जहां लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, आप वहां एड्रेस करते जहां ब्यूरोक्रेसी आम जनता पर आज हावी है, आप एड्रेस करते उन लोकल इश्यूज़ को, उन लोगों के इश्यूज़ को। आज अपनी पार्टी बनानी है इसलिए कहेंगे कि मुझे जम्मू कश्मीर की बहुत चिंता है, तो मैं नहीं मानता ये चिंता है आपको, ये आपका अपना निजी मुफाद है कोई, जिसके कारण आप आज ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आपको वाकई में फिक्र होती, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पिछले कई वर्षों से लताड़ा जा रहा है LG एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, आप कहाँ थे? ज़मीनी सतह पर इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी सुध लेने ही नहीं जाता है कोई, जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उन पर लाठी चार्ज होता है, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, वाटर कैनन से उन पर पानी बरसाया जाता है, उन पर हर एक हरफा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आप कहाँ हैं? आपने तो उनकी सुध नहीं ली कभी, आज क्यों फिर इस तरीके के ये मैं कहूँगा कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है आपका। आपको वोट लेने हैं तो वोट अगर लोगों की एस्पिरेशंस को ध्यान में नहीं रखोगे, उनके लिए खड़े नहीं होंगे, उनके दुख तकलीफ में आप खड़े नहीं होंगे, तो फिर वोटों की उम्मीद क्यों करते हो आप? साफ तौर पर फिर एक बार जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हो, इसके सिवाय कुछ नहीं। देखिए छुट्टी की जो मांग है ये एक सिम्बोलिकली तो दुरुस्त मानी जा सकती है, लेकिन जो लोग आज छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं महाराजा हरि सिंह के नाम पर, मैं उन्हें साफ तौर पर कहना चाहूँगा, जब महाराजा हरि सिंह की स्टेट के टुकड़े हुए, जब इस स्टेट का दर्जा छीना गया, तब आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने महाराजा की स्टेट को टूटते हुए देखा, बिखरते हुए देखा, यहाँ के महाराजा की स्टेट के नौजवानों को सड़कों पर लाठियाँ खाते हुए देखा, लेकिन आप तब सामने नहीं आए। आज छुट्टी लेके आप हासिल क्या कर लेंगे? जम्मू कश्मीर की जॉब्स को सिक्योर कर लेंगे आप? अब जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को सिक्योर कर लेंगे? यहाँ की ज़मीनों को सिक्योर कर लेंगे छुट्टी लेके? अगर नहीं कर सकते तो आपकी ये मांग मैं नहीं मानता जाए इससे। फिर जब महाराजा की स्टेट के टुकड़े हो गए, जब महाराजा की स्टेट की धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई, तब आप लोग चुप रहे, तब आपने चुप्पी साध रखी, तब आप ढोल नगाड़े बजाते रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज महाराजा के नाम की छुट्टी का एक सिंबॉलिकल एक प्रोटेस्ट, एक मूवमेंट खड़ी करके आप क्या हासिल कर लेंगे? मैं नहीं समझता उनकी ये मांग। महाराजा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी
जब यहाँ स्टेटहुड मिलेगी, जब यहाँ के नौजवानों की नौकरी सिक्योर होगी, जब यहाँ के नौजवानों का भविष्य सिक्योर होगा, जब यहाँ हमारे लैंड राइट्स, हमारी लैंड सिक्योर होगी, जब बाहर के लोग आके यहाँ हमारी ज़मीनों पे, हमारे रिसोर्सेज पे डाका नहीं डालेंगे, जब हमारे अपने नुमाइंदे होंगे यहाँ, जब हमारे चीफ मिनिस्टर हमारा अपना होगा, जब बाहरी ताकतें नहीं होंगी, जब हमारे ऊपर LG UP से आके शासन नहीं करेगा, तब जाके महाराजा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराजा ने डोगरों के लिए क्या नहीं किया, महाराजा के वक्त में, उनके दौर में उन्होंने इनकी इनकी हर एक चीज को सिक्योर करने के लिए। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस तरह कांग्रेस में जो है हलचल मची हुई है, कांग्रेस के जितने भी दिग्गज लीडर थे, खासतौर पर बात करें गुलाम नबी आज़ाद की, उनने अपना रिजर्वेशन जो है दिया और उसके बाद लगातार जो है रिजर्वेशन जो है आ रही है और कांग्रेस पार्टी में से जितने जुड़े हुए पहले लोग थे वो रिजर्वेशन दे के कहीं ना कहीं अब आज़ाद साहब के साथ जुड़े हैं और कहीं ना कहीं आज़ाद साहब के सपोर्ट में है। आज हमारे से बातचीत करने के लिए जुड़े हैं अमरेश जसरोटिया जी, जो कि एक पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है और कहीं ना कहीं हमेशा हर मुद्दे पे जो आगे खड़े रहते हैं और कुठवा के रहने वाले हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह जम्मू कश्मीर में अभी हलचल मची हुई है, जो कुछ अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, क्या कुछ कहना इनका है। अमरेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पर। धन्यवाद। तो अमरेश जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जिस तरह की सूरत हाल अभी जम्मू कश्मीर की है और ख़ासतौर पर बात करें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जब से वकार रसूल जी बने हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हलचल जो है कांग्रेस में भी मची हुई है और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी मची हुई है। आपने देखा कि लगातार जो है रिजर्वेशन जो है आ रही है, खासतौर पर बात करें गुलाम नबी आज़ाद की, जो एक दिग्गज लीडर थे, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने भी जो रिजर्वेशन दे दिया है, इस सब पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर ने पिछले कई वर्षों से अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है और उसी के सिलसिले में एक जो अब नई चीज़ जो सामने आई है कि एक सेकुलर व्यक्ति, एक सेकुलर जमात से तल्लक रखने वाला व्यक्ति, जो टॉल स्टैचर का लीडर, जम्मू कश्मीर से तल्लक रखने वाला गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने जिस तरीके से रेजिग्नेशन दिया है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस थी कि हमारी जो लैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, हमारी जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और जब केंद्र के अंदर अपोजिशन में बात आती थी कि कौन हमें रिप्रेजेंट करेगा, तो एक व्यक्ति का नाम सामने आता था, गुलाम नबी आज़ाद। लेकिन आज उन्होंने निराश किया है जम्मू कश्मीर की जनता को, उन्होंने निराश किया है उन नौजवानों को जो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने निराश किया है हर उस व्यक्ति को जो ये चाहता था कि जो मेरे हक हकूक छीने गए हैं उसको वापस लाने के केंद्र में मेरी आवाज़ रखेगा कोई। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति को सेंटर में रखते हुए, एक व्यक्ति को सेंटर में सेंट्रलाइज करते हुए, हर व्यक्ति एक बेड़ चाल करते हुए रिज़ाइन दे के एक व्यक्ति के साथ जुड़ रहा है। मुझे लगता था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ करनी चाहिए थी कि हमें पॉलिसी के साथ जुड़ना चाहिए था, हमें देखना चाहिए था कि हमारे हक की बात कौन कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से, जिस तरीके से आज़ाद साहब ने रिज़ाइन दिया है और अपनी नई जमात लाने की जो एक कोशिश है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ भला कर पाएगी। नहीं, आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार अगर आज़ाद साहब की हम बात करें तो कहीं सालों से जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से उनको अहदे जो है काफ़ी अच्छे अच्छे दिए गए और हर बार दिया गया मौका उनको बार बार दिया गया, लेकिन जिस तरह उनने आज कांग्रेस के साथ किया या जो कुछ कांग्रेस ने उनके साथ किया, क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी छोड़ना ही एक सोल्यूशन था उसका? नहीं, मैं तो कहता हूँ ये एक सोल्यूशन नहीं था। कांग्रेस में रहते हुए आप जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते, आपके फेवरेटिज्म को भी उन्होंने सामने रखा, आपके दिए हुए नामों को, अभी जैसे हमने सुना था कि जो उनका जो प्रेसिडेंट जो अभी बनाया गया वो भी इन्हीं का मनपसंद था, अगर फिर भी कंप्रोमाइज़ करके जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस आवाज़ को, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए था कांग्रेस में रहते हुए ही। मुझे लगता है देश के अंदर विकल्प जो था वो एक ही था, अपोजिशन में और सेंट्रल लेवल पे, स्टेट में
नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाज़ उठाती है, पीडीपी आवाज़ उठाती है, आम आदमी पार्टी अब कुछ मुद्दों पर अभी बोलना शुरू हुई है, और बाकी जो और जमातें हैं, पैंथर्स पार्टी तो जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो गई है, और इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो रीजनल पार्टीज थी, वो तो आवाज़ उठाती थी, लेकिन हमें केंद्र में आज़ाद साहब के रूप में एक चेहरा जो बैठा हुआ था, अगर वो भी उस जो एक बड़ा पोर्टफोलियो था उसको छोड़कर अगर यहाँ आने की बात की है और जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट को, यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट को जो दरबदर हो रहे हैं आज की डेट में, उनको देखा नहीं गया, सिर्फ अपनी मेरा आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेटअप नहीं है, सिर्फ वजह ये थी अगर, तो फिर प्रायोरिटी फिक्स होती है कि आप लकीर के उस पार थे कि इस पार थे, आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ थे कि आपकी आपके लिए ईगो ज़्यादा मैटर करती थी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह आप देख रहे होंगे उनकी रेजिग्नेशन के बाद जो है लगातार कांग्रेस में जितने भी, चाहे वो MLA थे, पैंची सरपंच, BDC, जितने भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे खास तौर पर, उन्होंने भी जो है वहाँ से अपने आप को हटा लिया और कहीं ना कहीं आज़ाद साहब की जो तरफ हैं, आज़ाद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है वो सही कर रहे हैं, या ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की बात करें खासतौर आवाम जो है आज़ाद साहब के साथ थी लेकिन क्या जिस तरह वो पहले रिप्रेजेंट करते थे उस तरह अब आगे आने वाले टाइम में कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता उस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। वो वहाँ रहते हुए पूरे हिंदुस्तान के लीडरों को एक 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 बैनर तले लाके जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद कर सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने अपने ही जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा है, मैं कहता हूँ जो 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 ज्वाइन कर रहे हैं उनको, जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो लगता है कि हवा इस तरफ चली तो जिस तरीके से लिफाफा हवा जिस तरफ चलती है उसी तरफ उड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि आइडियोलॉजी हर व्यक्ति का बेस होता है, अगर आपने आइडियोलॉजी के साथ समझौता किया है किसी एक व्यक्ति के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के भी वफादार होंगे। तो इस तरीके से वफादारी निभाई नहीं जाती, वफादारी इंसान की अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है तो उसकी वफादारी आइडियोलॉजी के साथ होती है, और अगर आप उस आइडियोलॉजी को छोड़कर व्यक्ति के साथ जा रहे हैं तो ये तय है कि आप व्यक्ति आपके लिए विशेष है, आपके लिए उसकी और आपकी कंपेटिबिलिटी विशेष है, आपके लिए जनता के मुद्दे, जनता की तकलीफें, लोगों के एस्पिरेशंस नहीं सही। तो उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह आप कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्या लगता है आपको उनके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी जो एक अपोजिशन का रोल अदा कर रही थी लेकिन काफ़ी टाइम से दिखने में तो नहीं आ रहा था, लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं अफेक्ट आप कांग्रेस पार्टी को इससे पड़ेगा? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि उनको मजबूत होना है या नहीं होना है, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल फैसला होगा, अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो डिसाइड करें, वो देखें उनको किस तरीके से अब पॉलिटिक्स में एक्टिव होना है, उनको किस तरीके से यहाँ के स्ट्रक्चर को खड़ा करना है। हमारी तो रहेंगी कि हम चाहते थे कि हर व्यक्ति जो है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मजबूत करे, जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छे अपोजिशन का रोल निभाए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अपोजिशन अगर मजबूत हो तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रहती है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उस पर प्रेशर बरकरार रहता है, और मैं चाहता हूँ कि हर अपोजिशन मजबूत हो, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP, चाहे बाकी अन्य जमातें हैं, वो सारी मजबूत हों, एक सरकार पे चेक की तरह और लोकतंत्र के अंदर काम करें, और बेस्ट विशेस सबको रहेंगी हमारी। तो उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके अपोजिशन में एक ही पार्टी जो सामने हमें दिख रही थी वो कांग्रेस थी, क्या लगता है कि जिस तरह आप कांग्रेस भी बिखर रही है तो उससे कहीं ना कहीं आप फायदा जो है भाजपा को होने वाला है? यकीनन, ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से अपोजिशन के लोगों को तोड़कर उनको छोटे छोटे राज्यों के अंदर अकोमोडेट किया जाए, उनको किस तरीके से फिर वहाँ अकोमोडेट करके उनको वहाँ भी ख़त्म किया जाए। हमने देखा अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने अच्छा फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने साइडलाइन करके अगर अपने लोकल RJD के साथ उन्होंने अगर समझौता किया तो हम वेलकम करते हैं उस स्टेप का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर इलाके में जाके जिस तरीके से पहले अलायंस करती है और उसी जमात को, रीजनल पार्टीज को ख़त्म करके अपनी मोनोपोली कायम करती है, और पूरे देश के अंदर अब कांग्रेस के अंदर भी उनकी यही स्ट्रेटजी थी कि उसको तोड़ के किस तरीके से हमें बिखराव पैदा करना है, उन्होंने चाहे सेंटर के अंदर हो चाहे रीजनल पार्टीज़ में हर जगह सेंध लगाने की कोशिश की है, हर जगह उनके लोगों को मनी पावर से, मसल पावर से, हर तरीके से उनको, चाहे ED की, आजकल CBI, ये तो एक ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन आजकल BJP की गुलामी कर रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि किस तरह से अपोजिशन को कमज़ोर किया जाए, और वो दौर भी है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर था, किस तरीके से
अपोजिशन की, चाहे कांग्रेस अपोजिशन में थी चाहे भाजपा अपोजिशन में थी, किस तरीके से एक दूसरे के साथ संबंध कायम, अच्छे रिश्ते कायम किए जाते थे। मैं पिछले दिनों वाजपेयी जी की एक वीडियो क्लिप सुन रहा था जब उन्होंने कहा मैं बीमार था और राजीव जी का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मेरे को स्पेशली इलाज के लिए बाहर भेजा था सरकार के खर्चे पर। तो ये समन्वय था, ये हारमनी थी उस वक्त की, आज के डेट में कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है अपोजिशन को। अगर ख्यालात आपके मेरे नहीं मिलते हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम दुश्मन हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है। नहीं, आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह उन्हें लेटर दिया, लेटर में साफ साफ को जिम्मेवार जो है राहुल गांधी को ठहराया है, ये आप भी जानते हैं, तो क्या लगता है कि बातचीत से मसला हल हो सकता था, क्या लगता है आपको? क्योंकि पार्टीज़ में आपस में अनबन जो है चलती है, अब वो कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से हम उनसे मिले भी नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बातें पार्टी लेवल की होती आपस में सुलझाई जाती थी, क्या इसका सोल्यूशन यही था कि पार्टी से हटाया जाए और अपने साथ जितने भी बाकी MLA या जितने भी आगे मेंबर थे उन सबको लिया जाए? हम नहीं समझते कि यही इकलौता फैसला था, यही इकलौता रास्ता था, ये नहीं है। बैठ के बातचीत की जा सकती थी, गिले शिकवे दूर किए जा सकते हैं। यहाँ देशों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ देशों के आपस में झगड़े होते हैं, टेबल टॉक करके सुलझाए जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। अगर ईगो पे लेके और दूसरी तरफ जिसकी बात करेंगे कि हम जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को ध्यान में ना रखो, मतलब कोई भी सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर में ही खेलनी है, ये तो ये पॉलिटिकल लेबोरेटरी है ये जम्मू कश्मीर। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल लेबोरेटरी बना रखी है, हर नया फिर का इस्तेमाल करते हैं। शाह फैजल को लाया, अल्ताफ बुखारी को लाया, ओ सजाद लोन को लाया, अब आजाद साहब भी उसी सूची का हिस्सा, तो उसको भी ABC टीम जो भी हम कहेंगे वो भी उनको ये भी ये, ये उसी पॉलिसी का हिस्सा है, ये उसी पॉलिसी का शिकार है। ये हम मान सकते हैं कि भाजपा ने एक और विकेट गिराया है जम्मू कश्मीर का। तो इससे आने वाले टाइम में खास तौर पर जम्मू कश्मीर के, जिस जम्मू कश्मीर की भलाई की बातें जो है सब कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव लाना है, जिस जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करनी है, क्या लगता है आने वाले टाइम में इस जम्मू कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट होगी, जिस तरह की सूरत हाल अभी जम्मू कश्मीर की है, ये जो कुछ सियासत जम्मू कश्मीर में खेली जा रही है? देखिए, अगर आपको इतनी फिक्र होती आप दिल्ली में ना बैठते, आप बैठते जहाँ हमारा नौजवान प्रदर्शन कर रहा है, आप वहाँ बैठते जहाँ लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, आप वहाँ एड्रेस करते जहाँ ब्यूरोक्रेसी आम जनता पर आज हावी है, आप एड्रेस करते उन लोकल इश्यूज़ को, उन लोगों के इश्यूज़ को। आज अपनी पार्टी बनानी है इसलिए कहेंगे कि मुझे जम्मू कश्मीर की बहुत चिंता है, तो मैं नहीं मानता ये चिंता है आपको, ये आपका अपना निजी मुफाद है कोई, जिसके कारण आप आज ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आपको वाकई में फ़िक्र होती, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पिछले कई वर्षों से लताड़ा जा रहा है LG एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, आप कहाँ थे? आप कभी आके बैठे? कभी सुध लिया आपने जम्मू कश्मीर? आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह आपने बात की जम्मू कश्मीर की, आपने देखा होगा लगातार जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो FAA की बात करें, पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, या जितने भी जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज थे, जितने भी अभी तक PHE के वर्कर्स हो, डेली वेजर्स हो, लगातार प्रोटेस्ट पे हैं, लगातार धरने पे हैं, कोई 40 दिन से है, कोई 10 दिन से है, प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में चल चुका है, जम्मू कश्मीर एक प्रोटेस्ट का शहर बन चुका है, लेकिन एक भी सियासतदान जो उनके पास आया, उनके पास बातचीत की, उन बच्चों के लिए खास तौर पर वो आगे आए, लेकिन सामने हमें तो कोई नहीं दिखा। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये होगा वो होगा, लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं हो रहा है? ज़मीनी सतह पर इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी सुध लेने ही नहीं जाता है कोई, जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उन पर लाठी चार्ज होता है, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, वाटर कैनन से उन पर पानी बरसाया जाता है, उन पर हर एक हरफा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आप कहाँ हैं? आपने तो उनकी सुध नहीं ली कभी, आज क्यों फिर इस तरीके के ये मैं कहूँगा कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है आपका। आपको वोट लेने हैं तो वोट अगर लोगों की एस्पिरेशंस को ध्यान में नहीं रखोगे, उनके लिए खड़े नहीं होंगे, उनके दुख तकलीफ में आप खड़े नहीं होंगे, तो फिर वोटों की उम्मीद क्यों करते हो? आप साफ तौर पर फिर एक बार जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हो, इसके सिवाय कुछ नहीं है। नहीं, आप कठुआ से हैं, आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लगातार हर मुद्दे पर आप आगे खड़े रहते हैं, क्या कठुआ की आवाम खास तौर पर इस फैसले से खुश है जो फैसला गुलाम नबी आज़ाद ने अभी लिया है? देखिए, कठुआ, जहाँ तक सिर्फ कठुआ का तल्लक है, मुझे नहीं लगता कठुआ की आवाम खुश है, क्योंकि कठुआ के जो लोग हैं वो पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, वो पॉलिटिकली मैच्योर हैं, और
कठुआ के लोगों ने पिछले कई अरसों से देखा है। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को जब चीफ मिनिस्टर थे उनको तब भी उन्होंने मदद की। जब उन्होंने 2014 में मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा उन लोगों ने फिर भी मदद की, लेकिन उसके बावजूद भी आज़ाद साहब ने उस तरीके से सुध नहीं ली उन लोगों की, तो उनके आने या जाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कठुआ में। कठुआ की राजनीति अलग है। जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे फिर आज़ाद साहब एक फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कठुआ पर्टिकुलर आपकी जगह की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी कठुआ की बात कर रहा हूँ। कठुआ में जो उनके लॉयलिस्ट हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, उनके जाने से थोड़ा यकीनन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कठुआ डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल देखा जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो लोगों पे इतना नहीं जाएगा कि आज़ाद साहब कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। कठुआ के राज हम ये कह सकते हैं कि उनके जाने के बाद कांग्रेस में फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन को जो उनके अपोजिशन में थे यानी भाजपा जो अपोजिशन में थे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। नहीं, भाजपा को डेफिनेटली फ़ायदा है इसमें। भारतीय जनता पार्टी को तो खतरा था कि आज़ाद साहब अगर कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस मजबूत है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन अगर गई है, अगर ये चले गए हैं कांग्रेस से तो ठीक है, कांग्रेस अपने लेवल पे आने वाले दिनों में क्या करे वो वही जाने। जहाँ तक आज़ाद साहब का तल्लक है, आज़ाद साहब ने मुझे लगता है कि लोगों के साथ विश्वासघात किया है, उनकी एस्पिरेशंस के मुताबिक उन्होंने अपना फैसला सही नहीं लिया। उसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा कि जम्मू में जो है और भी मुद्दे चल रहे हैं, छुट्टी की मांग जो है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेके मांग है कि इस दिन हमें छुट्टी मिलनी चाहिए। क्या लगता है राजपूत सभा के जितने भी लोग हैं अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी एक राजपूत हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा जो छुट्टी की मांग अभी की जा रही है आप उसको किस नज़र से देखते हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, छुट्टी की जो मांग है ये एक सिंबॉलिकली तो दुरुस्त मानी जा सकती है, लेकिन जो लोग आज छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं महाराजा हरि सिंह के नाम पर, मैं उन्हें साफ तौर पर कहना चाहूँगा, जब महाराजा हरि सिंह की स्टेट के टुकड़े हुए, जब इस स्टेट का दर्जा छीना गया, तब आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने महाराजा की स्टेट को टूटते हुए देखा, बिखरते हुए देखा, यहाँ के महाराजा की स्टेट के नौजवानों को सड़कों पर लाठियाँ खाते हुए देखा, लेकिन आप तब सामने नहीं आए। आज छुट्टी लेके आप हासिल क्या कर लेंगे? जम्मू कश्मीर की जॉब्स को सिक्योर कर लेंगे आप? अब जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को सिक्योर कर लेंगे? यहाँ की ज़मीनों को सिक्योर कर लेंगे छुट्टी लेके? अगर नहीं कर सकते तो आपकी ये मांग मैं नहीं मानता जाए से। फिर जब महाराजा की स्टेट के टुकड़े हो गए, जब महाराजा की स्टेट की दज्जियाँ उड़ा के रख दी गई, तब आप लोग चुप रहे, तब आपने चुप्पी साध रखी, तब आप ढोल नगाड़े बजाते रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज महाराजा के नाम की छुट्टी का एक सिंबॉलिकल एक प्रोटेस्ट एक मूवमेंट खड़ी करके आप क्या हासिल कर लेंगे? मैं नहीं समझता उनकी ये मांग। हाँ, उनकी मांग ये जायज़ तब होगी जब आप महाराजा की स्टेट को स्टेटहुड रिस्टोर वापस कराएंगे, जब डिवाइडेड जम्मू कश्मीर को आप यूनिफाई करेंगे, तब जाके आप छुट्टी की बात करें तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे। और अगर महाराजा की स्टेट को रिस्टोर करने के लिए, यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए और बाकी जो डिवाइडेड जम्मू कश्मीर है उसको यूनिफाई करने की बात करेंगे, फिर भी खड़े होंगे। और छुट्टी से पहले इस पे ध्यान दीजिए। नहीं, कहीं ना कहीं जिस तरह आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप ही के वो भी लोग हैं, राजपूत सभा के लोग हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं निराश भी हो सकते हैं, तो इस सब को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं मानता हूँ कि महाराजा को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब महाराजा के जम्मू कश्मीर को उसी तरीके से गुलदस्ते की तरह पिरोया जाएगा। महाराजा को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी आज चाहे ऊपर से बैठ के अगर महाराजा देख रहे होंगे, एक तरफ अगर हम खड़े होंगे, हम कहेंगे कि महाराजा की स्टेट को यूनिफाई किया जाए, इस स्टेट को स्टेट का दर्जा वापस दिलाया जाए जो कि आज यूटी है, और दूसरी तरफ अगर कोई कह रहा होगा कि महाराजा के नाम की बस छुट्टी दे दीजिए, तो महाराजा किसकी तरफ खड़े होंगे ये हर व्यक्ति जानता है। आज चाहे निराश होते रहे, मैं ये नहीं कहता कि छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, सिंबॉलिकली एक अच्छा फैसला हो सकता है छुट्टी का, लेकिन छुट्टी से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आप महाराजा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब यहाँ स्टेटहुड मिलेगी, जब यहाँ के नौजवानों की नौकरी सिक्योर होगी, जब यहाँ के नौजवानों का भविष्य सिक्योर होगा, जब यहाँ हमारे लैंड राइट्स, हमारी लैंड सिक्योर होगी, जब बाहर के लोग आके यहाँ हमारी ज़मीनों पे, हमारे रिसोर्सेज पे डाका नहीं डालेंगे, जब हमारे अपने नुमाइंदे होंगे यहाँ,
जब हमारे चीफ मिनिस्टर हमारा अपना होगा, जब बाहरी ताकतें नहीं होंगी, जब हमारे ऊपर एलजी यूपी से आके शासन नहीं करेगा, तब जाके महाराजा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराजा ने डोगरों के लिए क्या नहीं किया, महाराजा के वक्त में, उनके दौर में उन्होंने इनकी इनकी हर एक चीज़ को सिक्योर करने के लिए उन्होंने छुट्टी छुट्टी की मांग तो करते हैं, लेकिन स्टेटहुड वापसी की मांग कोई नहीं करता। क्या लगता है कोई ऐसी पार्टी हो, या चाहे राजपूत सभा के लोग हों, या कोई पार्टी ऐसी है जम्मू कश्मीर में जो चाहती है अब जो है स्टेटहुड वापस आए? यही तो फ़र्क है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कार्यालय में पीछे महाराजा हरि सिंह जी का फोटो लगाया होगा, और वो वही लोग हैं जिन्होंने स्टेट को तोड़ा है, और वो वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ कंपटीशन को पूरे हिंदुस्तान में ओपन कर दिया है जॉब्स के रिलेटेड। हाँ, वो वही लोग हैं जो आज की डेट में लाठियाँ बरसा रहे हैं हमारे ये जो डोगरे जो हैं, हाँ, इस रियासत के बशिंदों पर। ये वही लोग हैं जो आज की डेट में बाहर से बिहार और यूपी के लोगों को यहाँ का वोटिंग राइट देना चाहते हैं, 25 लाख नए वोटर्स ला रहे। तो वही, ये वही लोग हैं, पीछे महाराजा हरि सिंह का फोटो लगाया होगा। और अगर राजपूत सभा वाले भी अगर एक छुट्टी की मांग कर रहे हैं, तो इससे आप कुछ हासिल नहीं कर रहे। आप सिंबॉलिकली छुट्टी मिल जाएगी, तो छुट्टी के बाद आपका लीडर, आप जिसको चुनेंगे वो बिहार या यूपी से होगा, तो महाराजा क्या सोचेंगे, महाराजा की प्रजा क्या सोचेगी? महाराजा की प्रजा आने वाले दिनों में यूपी बिहार की होगी। तो क्या महाराजा जो वो जानते नहीं होंगे, यूपी बिहार के लोग जहाँ यहाँ जब सरपंच बनेगा, यहाँ जब एमएलए बनेगा। मतलब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आप ही ने कहा कि हर दफ्तरों के पीछे हो या पोस्टर बने हैं महाराजा सिंह के, तो जब यूपी के यहाँ पर आएंगे या अलग अलग राज्य से यहाँ पर आके राज करेंगे, वो उन तस्वीरों को या उन पोस्टर्स को या उनकी जो फ्रेम बना होगा उनको वहाँ पर रहने देंगे? कभी भी नहीं, वो तो हमारी दीवारों को भी गंदा करते हुए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं जानते होंगे हमारी हिस्ट्री को, वो नहीं जानते होंगे महाराजा हरि सिंह को, उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी हमारी स्टेट से, हमारे रिसोर्सेज से। आपका सरपंच, आपका एमएलए, आपका एमपी यूपी या बिहार से होगा, तो उसको क्या लेना देना इस डोगरा स्टेट से या महाराजा से। इसलिए हम कहते हैं, तो इस पे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है कि ये जो आपने धरना प्रदर्शन लगाया है, इसको जम्मू कश्मीर का जो रियासत है, महाराजा की रियासत, उसके राज्य का दर्जा उसको वापस मिले, उसका जो डिवाइडेड जम्मू कश्मीर है उसको यूनिफाई किया जाए, और फिर जाके महाराजा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी रियासत की जो जो बाउंड्रीज हैं वो तिब्बत कहाँ तक थी, फैली हुई थी, आज तोड़ दिया गया है, और जिन्होंने तोड़ा है वही फोटो लगाए फिरते हैं। ये हिपोक्रेट है, ये डबल स्टैंडर्ड है इनका, मैं नहीं मानता। मैं कभी इत्तफाक नहीं रखूँगा ऐसी जो जो नौटंकी है उसको, उसके साथ। और आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप थोड़ा इस मुद्दे से साइड आके, जिस तरह अभी मुद्दे पे बात चल रही थी जम्मू कश्मीर को लेके, पार्टीज तो बहुत सारी है, अभी जो लोग रिज़ाइन कर रहे हैं आज़ाद साहब के पीछे, क्योंकि अभी पार्टी बनी नहीं है उनकी, बनने वाली है, जो लोग रिज़ाइन कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या उनका जो रिजर्वेशन अभी दे रहे हैं वो किस हद तक सही है? देखिए, मैं इनको साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ते हुए आप एक सच्चे लीडर की तरह अपनी जनता से ज़रा पूछिए, अपनी जनता से पूछिए, जिनके वोट लेके आप जीतते हैं उनसे ज़रा एक बार पूछ लीजिएगा, फिर अपने फैसले लीजिए। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे अमरेश जसरोटिया जी, जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कुठवा से हैं, और कहीं ना कहीं हमेशा हर मुद्दे पर आगे खड़े रहते हैं, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा जो था गुलाम नबी आज़ाद का था, उसके बाद जो लोग उनके पीछे रिज़ाइन कर रहे हैं उनका था, और कहीं ना कहीं राजपूत सभा के लोग जिस तरह छुट्टी की मांग लगाए बैठे हैं, उन सबको लेके भी मुद्दा था, और हर मुद्दे पे इनसे बात हुई। क्या कुछ कहना इनका था वो तो आपने सुन लिया, लेकिन उम्मीद और तवक्का रहेगी जो कुछ उन्होंने कहा और जो कुछ लोगों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की उस पर तवज्जा दी जाएगी, और जिस तरह के फैसले पॉलिटिकल की खास तौर पर बात की जाएगी, जिस तरह के लिए जा रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद ने खास तौर पर जिस तरह का फैसला आज लिया है, कहीं ना कहीं उससे जनता हर्ट भी हुई और कहीं ना कहीं बहुत सारे खुश भी हुए हैं। लेकिन देखना यह है कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर को लेकर खासतौर पर कौन क्या कुछ सोचता है, और जो जम्मू कश्मीर स्टेटहुड की बात जो लगातार करते तो आए हैं कि स्टेटहुड मिलेगी, लेकिन उसको वापस लाएगा कौन, देखना यह है।